नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपा। स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है मेरी माँ की रेसिपी। और दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूं भुना गोभी से रोटी। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे हम ये देखिए, हमने गोभी लिया है, तीन ये गोभी लिए हमने, बड़ा बड़ा टुकड़ों में काट दिया है। इसके बाद हमने दो प्याज लिया है, इसे चॉप करके रखा है। लहसुन की कलियाँ लिए हैं, इसे हम क्रश करके रखे हैं। आधा चम्मच हल्दी ले लेंगे, एक चम्मच जीरा, और स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। और मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, हमने एक चम्मच लिया है। तो सबसे पहले हम सरसों का तेल में जीरा डालेंगे, जीरा को चटकने देंगे हल्का। ये देखिए हल्का लाल हो गया। इसके बाद हमने लहसुन की 10-12 कलियां लिए हैं, इसे क्रश कर लिया है। ये भुना हुआ लहसुन जब मुँह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसीलिए हम ये डाले हैं। आप चाहे तो आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने प्याज डाला है, प्याज को गलाने के लिए हमने इसमें नमक डाला है। ये देखिए प्याज हल्का लाल हो गया है। इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च डाल दिए हैं, हल्दी डाल दिए हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा चाहते हैं दोस्तों, तो इसमें आप हरा मिर्च ऐड कर सकते हैं काट के। इसके बाद ये देखिए हमने गोभी डाला है, गोभी ज़्यादा डाले हैं क्योंकि गोभी गल के बहुत कम हो जाता है, और इसकी रोटी बनानी है तो इसीलिए ज़्यादा हमने गोभी यूज़ किया है। तीन गोभी, बड़ा बड़ा गोभी है ये। इसे इस तरह से काट लिए और इसे अच्छा से चला लेंगे, और इसे फिर हम ढक के 10-12 मिनट के लिए पकाएंगे कम आंच में। ये देखिए 10-12 मिनट हो गया दोस्तों। अब ये देखिए अच्छा से भुन गया है ये, और कितना कम भी हो गया है। अब इसे हल्का सुखा लेंगे हम तेज आंच करके, और सुखाते सुखाते इसे मैश भी कर लेंगे इस तरह से मैश कर लीजिएगा, ताकि जब रोटी बनाए तो ये फटे नहीं रोटी। ये पूरा बारीक हो गया, ये देखिए। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए ठंडा हो गया है ये, तो चलिए रोटी बना लेते हैं। हमने प्लेन डो लगाया है आटा का, सिर्फ पानी से इसे सान के रखे हैं आटे को हम। ये देखिए आटा पूरा सॉफ्ट रखिएगा, कड़ा रखने से रोटी फट जाता है, तो सॉफ्ट रखने से ये फैलता है तो रोटी फटता नहीं है। ये देखिए हम इस तरह से भर लेंगे पूरा अच्छा से, इस तरह भर करके हम रोटी बना लेंगे। हल्के हाथों से बेलिएगा ताकि ये फटे नहीं। ये देखिए रोटी बनके तैयार हो गया। अब इसे हम सेक लेते हैं उलट पलट करके। ये दोस्तों बच्चों लोग बहुत पसंद करते हैं, आप इसे टिफिन में भी दे सकते हैं, रात में बनाइए, सुबह भी ये बासी भी अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए रिफाइंड तेल से हम इसे उलट पलट के सेक लिए हैं, ये हमारा रोटी बनके तैयार हो गया है। अब इस तरह से हम सारा रोटी बना लेंगे, और इसे आप टमाटर की चटनी, धनिया की चटनी या फिर टमाटर सॉस के साथ खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं दोस्तों, तो वह जरूर ट्राई कीजिएगा आप। तो दोस्तों आज के टिप्स में बताने वाली हूँ मोटा मलाई कैसे जमे। तो ये देखिए हमने एक कटोरा में 1 किलो दूध रखा है, और इसे 1 घंटा तक छान के रख दिए हैं ताकि ऊपर में पतला मलाई जम जाए। उसके बाद आप धीरे से इसे गैस पर चढ़ा दीजिएगा, और कम आंच करके इसे खौलाइएगा। ये देखिए खौल गया है, बस गैस बंद कर दीजिएगा और हिलाइएगा इसे नहीं। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे फ्रिज में रख दीजिएगा, उसके बाद निकालिएगा तो देखिएगा बहुत ही ज़्यादा मोटा मलाई जम जाता है। मोटा मलाई जितना रहेगा उतना ही अच्छा घी निकलेगा दोस्तों, तो घी का ही वीडियो हम बनाए हैं तो आप देख सकते हैं इसे। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे या टिप्स अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो डाल सकूँ। बाय।